अस्सलाम वालेकुम, निदाई कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पूरी दुनिया में 24 मार्च को टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इस दिन के मुनासबत से कहीं तकरीबात का इनेकाद होने जा रहा है। कस्बा पुलवामा में टीबी सेंटर सरगर्मी के साथ अपना रोल निभाकर लोगों को इस बीमारी के मुतलिक जानकारी फराहम कर रहा है। DTO पुलवामा डॉक्टर परवेजी यास्मीन ने निदाई कश्मीर के साथ बात करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। हम टीबी पेशेंट्स को फील्ड में जाके प्रोग्राम्स करते हैं। फील्ड प्रोग्राम के बाद हम कैंप अवेयरनेस करते हैं, डिबेट्स के ज़रिए लोगों तक ये पहुंचाते हैं, ये पैगाम कि लोगों को आगाह कर रहे हैं कि टीबी कैसी बीमारी है और किस तरह इसको इलाज करेंगे। इन बीमारों के लिए क्या क्या सुविधा मैसर हैं? इन बीमारों के लिए हम मैसर करते हैं, टेस्ट मुफ्त करते हैं, दवाई मुफ्त देते हैं, 500 रुपये हर महीने उनको देते हैं जब तक उनका ये इलाज कंप्लीट कर रहे हैं। उनको अगर किसी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जाना पड़ेगा उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देते हैं हम। वो ट्रांसपोर्ट भी हम मुफ्त में फराहम कर रहे हैं। क्योंकि शुपियन भी आपके अंडर आता है तो जी, पुलवामा और शुपियन में इस वक्त कितने पेशेंट हैं इस बीमारी में? टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में पुलवामा एंड शुपियन इस वक्त हमारे पास 180 पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। आधों का इलाज मुकम्मल हो गया है और बाकी अभी इलाज पर चल रहे हैं। हमने रजिस्टर्ड किया है 180 पेशेंट शुपियन पुलवामा, जो 2020 की बात है। हमारी मोदबाना गुजारिश है ज़िले पुलवामा और शोपियाँ के लोगों से हैं कि जिस किसी को दो हफ्तों से ज़्यादा खांसी, बलगम, बुखार या वज़न कम होना, भूख कम लगना, भूख ना होना हो, तो वो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर पुलवामा आकर अपना ये तशखीश व इलाज कराएँ।